नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं YouTube चैनल RPG ट्रिक्स। दोस्तों आप लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अभी सारी बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि 2021 से फोन पे को और गूगल पे को चार्जेस लगने वाले हैं, पेटीएम को क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यही डिटेल जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा, जो कि अदर मतलब थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे है उसको चार्जेस लगने वाले हैं। जैसे उसमें फ़ोन पे है, उसमें गूगल पे है, ऐसे कोई और ऐप होंगे तो उसमें भी चार्जेस लगने वाले हैं। NCR का एक बड़ा ये फैसला है, क्योंकि और जितना ट्रांजेक्शन आप फोन पे से या फिर गूगल पे से आप करते थे उस पर कैपिंग भी लगने वाला है। मतलब 30% ही पेमेंट आप उससे कर पाएंगे, और ये क्लियर नहीं किया है अभी तक कंपनी ने कि जैसे कि 30% को चार्जेस लगेंगे या फिर उसके अलावा आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे उसको चार्जेस लगेंगे। ये तो हमें 2021 में देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न है क्या पेटीएम को भी चार्जेस लगेंगे। पेटीएम का देखिए दोस्तों, खुद का गेट पे है तो पेटीएम को ये चार्जेस नहीं लगेंगे। पेटीएम चाहे आप बार कोड पे करें या फिर आप UPI से ट्रांसफ़र करें, पेटीएम को कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई है। अभी हमें यही देखना होगा कि जैसे फ़ोनपे में हमें 30% तक चार्जेस लगते हैं या फिर 30% के आगे हमें चार्जेस लगते हैं, गूगल पे को भी हमें 30% तक चार्जेस लगते हैं या फिर नहीं लगते या फिर उसके आगे चार्जेस लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें 2021 में देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी अहम ये जानकारी है, क्योंकि आजकल फ़ोन पे, गूगल पे और ये सभी के मोबाइल में लगभग हो गया है। जैसे पेटीएम भी कुछ पीछे नहीं है, पेटीएम भी हर एक के मोबाइल में है ही। लेकिन ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि पेटीएम को चार्जेस नहीं लगने वाले, ये पेटीएम ने उनके मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है। लेकिन गूगल पे और फ़ोन पे ये चार्जेस कितने लगेंगे, कैसे इसके आकार होंगे और ये मतलब क्या इसका क्राइटेरिया होगा, ये हमें 2021 में ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।